हेलो प्लस वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद शकील एंड यू वाचिंग m.sk। तो अब इस एडिटिंग सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो एडिटिंग की सीरीज़ में, और आज बात करेंगे कि काइनमास्टर से किस तरीके से हम लोग वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो काइनमास्टर थोड़ा सा एक अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है जिससे आप काफ़ी तरह की एडिटिंग कर सकते हो, और उसको चलाना भी थोड़ा सा कठिन है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से सीखना। और फ़िलहाल हो सकता है कि इस एक ही वीडियो में मैं पूरी चीज़ कवर ना कर सकूं, तो क्योंकि काइनमास्टर एक बहुत ज़्यादा फीचर्स वाला ऐप है जहां पे आप बहुत तरह से एडिटिंग कर सकते हो। कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो PowerDirector में अवेलेबल नहीं हैं। वैसे PowerDirector में भी मुझसे एक दो फीचर्स छूट गए थे बताने जो उसमें अवेलेबल हैं, लेकिन काइनमास्टर में PowerDirector से ज़्यादा फीचर्स हैं। तो अगर आप में सॉफ्टवेयर चल सके तो मैं काइनमास्टर रिकमेंड करूँगा। अगर आप सीख जाओ इसको चलाना और ये आपके मोबाइल में चले तो आप कृपया काइनमास्टर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आप यहाँ से ज़्यादा अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन काइनमास्टर ही में सबसे ज़्यादा लैग आते हैं, तो पहले तो एडिटिंग सीखते हैं, बाद में बात करेंगे इसके क्या खासियत और क्या क्या बुराई हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा काइनमास्टर, इसको हम लोग करेंगे ओपन आज हम लोग काइनमास्टर से सीख रहे हैं एडिटिंग। तो यहाँ पे मेरे कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, ये आप में नहीं आएंगी, मतलब क्योंकि आपने नए नए इंस्टॉल किया होगा जब भी, ये आप अगली वीडियो में देख पाओगे कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक, तो आपको प्लस आइकन पर सबसे पहले क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने सेम वही पेज आएगा कि आप किस साइज़ में, मतलब किस रेशियो में आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हो। 16:9, 9:16 और 1:1। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हो तो आप 16:9 सेलेक्ट करोगे। अगर आप वर्टिकल बनाना चाहते हो लाइक टिकटॉक तो आप 9:16 सेलेक्ट करोगे। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहते हो तो आप 1:1 सेलेक्ट करोगे। तो हम लोग यहाँ पे 16:9 सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास 16:9 का पेज आ गया और ये हमारा वर्क प्लेस आ गया। यहाँ पे हमारे नीचे लेयर्स आएंगी, इधर से हम लोगों को फाइल्स इंपोर्ट करनी होंगी इसमें। तो सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड लेना होगा, उसमें हम लोग फ़ोटो या इमेज ले सकते हैं। तो यहाँ मीडिया पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए एक वीडियो जो कि हम लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड करके रखी है, तो इसे हम लोग ले लेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में बनी हुई है। तो ऐसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, सेम वैसे आप इसे यहाँ पे भी कर सकते हो। कैसे, एक मिनट, यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर में दिक्कत है, उसे कहीं सेट कर लें। हाँ, तो अब बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ काटना होगा क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा नहीं बोल रहे होंगे, जैसे कि यहाँ तक कि हमें क्लिप काटनी है। तो जैसे आप उसमें काटते हो तो वैसे इसमें काट सकते हो, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है कट का, उसके बाद आप वीडियो को लेफ़्ट साइड से काटना चाहते हो, इसलिए आप ये क्लिक करोगे, उतना वीडियो पार्ट कट जाएगा, फिर डायरेक्टली वहाँ चालू होगी जहाँ से हम लोग बोल रहे हैं। हेलो प्लस वेलकम बैक दोस्तों, अभी थोड़ा सा गैप है, अगर आप इसको ही काटना चाहो तो काट सकते हो। फिर उसके बाद आखिरी में भी थोड़ी सी, देखिए गैप रह गया होगा, देखिए। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो अब इसे हम लोग फिर से काटेंगे। अब हम लोग राइट साइड से वीडियो कट करना चाहते हैं, तो यहाँ राइट साइड से ट्रिम करेंगे, ये कट गई, और मोबाइल की स्क्रीन की तरफ यहाँ पे वीडियो ख़त्म। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे उसमें फ़िल्टर्स थे कि यहाँ पे आप डायरेक्टली फ़िल्टर लगाए थे, तो अलग अलग इमोशंस में फ़िल्टर्स हुए थे, वैसा आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पर खाली देखिए इस तरह का फ़िल्टर दिया है जिससे आप इसे थोड़ा सा शेडो लुक दे सकते हो, साइड से सिनेमैटिक, मतलब साइड से शेडो आ जाती हैं, और एक खाली गोल्ड कलर में हल्की फुल्की लाइट रह जाती है। ठीक, अब आपको करना क्या, अगर आप इसे बीच से काटना चाहो तो आप यही कट्स पे जाके यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक करके इसको बीच से काट सकते हो। अभी दो पार्ट में हो गई। तो यहाँ पे आप अगर चाहो तो कोई एनिमेशन दे सकते हो, या जब भी आप कोई दो वीडियो को आपस में मर्ज करते हो, जैसे एक ये पार्ट हमने ले लिया, एक हम दूसरी वीडियो पार्ट लेते हैं, तो यहाँ पे आप किसी तरह का एनिमेशंस लगा सकते हो। जैसे कि ये देखिए, ये एक चेंज हुआ, और ये देखिए जैसे कि ये चेंज हुआ, ऐसे इसमें बहुत से एनिमेशंस हैं। आप इस एडिटिंग सीरीज में और आज तो ये देखिए आप इस तरह से बहुत से अलग अलग एनिमेशंस लगा सकते हो जहाँ पे भी आपका कोई जॉइंट होगा वीडियो का, ठीक। इसके अलावा आप यहाँ पे PowerDirector से ज़्यादा लेयर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये जो आप पहले एक मेन वीडियो ऊपर सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे लेते हो, ये सब लेयर्स होती हैं, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स ऐड कर सकते हो। मतलब ये भी वीडियो जो साइड में आई है कुछ और लेते हैं पहले, तो ये देखिए इसको आप जूम इन जूम आउट करके जहाँ चाहे वहाँ पे लगा सकते हो। और अगर वही लोगो लगाना चाहो तो लोगो भी बस जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अपना लोगो सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे भी आपका पड़ा हो। जैसे मेरा यहाँ इरेजर में पड़ा होगा, ये लोगो पड़ा है, इसको लेके आप छोटा करके उस जगह पे रख देंगे जहाँ पे भी आप लोगो लगाना चाहते हैं। साइज सेट करेंगे, जितनी दूर के लिए लगाना चाहते हो वो सेट करेंगे, आप पूरा कर देंगे। पूरी वीडियो में चाहते हैं तो आपका लोगो लग जाएगा, ठीक। और ये सब हटाते हैं। और आप वीडियो का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने किसी एक सिंपल किसी एक कलर की स्क्रीन के सामने वीडियो, मतलब आपके पीछे कोई एक सिंपल कलर है, प्लेन कलर है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके सामने पीछे का ग्रीन हो, प्योर ग्रीन, आपके पीछे ग्रीन कलर की वॉल या ग्रीन कलर का आप पर्दा लगा के रिकॉर्ड करते हो, तो आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेरा नहीं है, तो हम कोई और ग्रीन कलर की स्क्रीन को यहाँ पे चेंज करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन कुछ है, ये देखिए ऐसे ये ग्रीन स्क्रीन पड़ी है, ये यहाँ पे पूरा कवर कर लीस। यहाँ पे ये देखिए एक अंगूठे वाला है ऑप्शन, ठीक। लेकिन अगर यहाँ आप ये क्रोमा की भी क्लिक करते हैं और तो ये देखिए आप यहाँ से इस स्क्रीन को हटा सकते हैं। और आज बात करेंगे KineMaster से किस तरीके देखा। अगर आप इसे चाहें तो इसे कहीं मूव भी कर सकते हैं, जैसे उंगलियाँ इसे हम लोगों ने इस साइड मूव कर दिया, तब ये इस साइड ही रहेगी। और आज बात करेंगे KineMaster से किस तरीके से हम लोग वीडियो। अगर आप इसकी ऑडियो बंद करना चाहें, इसमें ऑडियो है, तो यहाँ ऑडियो पर क्लिक करके आप इसे बंद कर सकते हैं, या चाहें तो बढ़ा सकते हैं, तो इसको बंद कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और लेयर्स में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ कुछ इफ़ेक्ट्स लगा सकते हो। जैसे आपको वीडियो का कोई पार्ट ब्लरी करना है तो यहाँ से हम लोग इफ़ेक्ट लेंगे। अलग अलग तरह के आप इफ़ेक्ट और डाउनलोड भी कर सकते हो। इसका आप शेप और साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो, आपको क्या ब्लर करना है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए अगर हम चेहरा ब्लर करना चाहें तो ये लगा दिया, तो इतनी वीडियो का चेहरा ब्लर हो जाएगा। देखिए प्ले करते हैं। किस तरीके से हम लोग वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, तो KineMaster थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरीके से वीडियो को पीछे का हिस्सा ब्लर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई ट्यूटोरियल समझा है तो उसमें बहुत से आपके मोबाइल नंबर्स या फिर ईमेल आईडी या कोई भी पर्सनल डिटेल्स आ जाती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो इस तरीके से ब्लर करके उसको हाइड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे वॉइस ओवर देना चाहें, मतलब आपकी वीडियो में कुछ फ़ोटो वोटो हैं सिर्फ खाली, और आप अब यहाँ मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है तो उसमें ऑडियो चल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आप इस ऑप्शन से यहाँ स्टार पर क्लिक करके पूरा एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप बाद में वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में वॉइस ओवर देते हैं तो यहाँ से आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा सकते हो, जो भी आप चाहो वो लग जाएगा। जैसे कि यहाँ हम फोल्डर से एक ले लेते हैं, डाउनलोड से एक ले लेते हैं, सॉरी एडिट म्यूज़िक से लेंगे, ये लगा लिया। तो इस वीडियो ध्यान से देखना और अच्छे से सीखना। और फिलहाल तो देखिए यहाँ बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक आ गया जो कि बज रहा है, ठीक। अगर आप इसकी आवाज़ कम करना चाहें क्योंकि जो मेरी आवाज़ है वो सुनाई नहीं दे रही, तो आप यहाँ से इस बैकग्राउंड की आवाज़ कम कर सकते हो जितनी भी आप चाहो। और अच्छे से सीखना। और फिलहाल तो देखिए बैकग्राउंड में भी आवाज़ आई और मेरी आवाज़ जो क्लियरली सुनाई दे रही है, तो इस तरीके से भी आप एडिट कर सकते हो। और अगर बात करें एनिमेशन की, तो आप यहाँ से एनिमेशन भी कर सकते हो। इस वीडियो में ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाएंगे, इसमें खाली हाईलाइट चीज़ें ही बता पाएंगे, वरना जानते हो आप हाईलाइट चीज़ें ही बता पाएंगे। अगर हाईलाइट नहीं बताएंगे और सब कुछ पूरा ऐप की डिटेल्स देने लगें, एक एक ऑप्शन के बारे में बताने लगें, तो आप इस वीडियो मतलब ये वीडियो करीब करीब 2-3 घंटे की हो जाएगी। तो आपने तय ये किया है कि जब भी आपको कोई डाउट हो एडिटिंग से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आपके उस कमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो उस तरह की एडिटिंग की बना देंगे, क्योंकि इसमें बता पाना और हर तरह के फीचर्स को शो कर पाना काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा। तो बस अब अगर आप इसको मतलब कोई भी आपके सामने इमेज है उसे आप क्रॉप करना चाहते हो तो इससे कर सकते हो। ये देखिए कि शुरू में क्या आएगा और एंड में क्या आएगा। तो आज बात करेंगे काइनमास्टर से। जैसे हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे तो वीडियो बैक में आती जाएगी। देखिए वीडियो धीरे धीरे छोटी हो गई और इधर आने में जूम हो गया। तो ये होता है इस तरीके से। इसके अलावा आपको क्या बता दें, तो आप वीडियो की स्पीड भी यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो, जितने एक्स चाहो उतने, ठीक 8x तक कर सकते हो। इससे ज़्यादा चाहो तो और कर सकते हो। देखिए छोटी हो गई तो हम लोग वापस नॉर्मल 1 पे आएंगे और आप यहाँ से भी वीडियो को रिवर्स कर सकते हो, वीडियो को रोटेट कर सकते हो, वीडियो को मिरर में ले सकते हो। इस तरीके से इसका रिवर्स मिरर और इसको पूरा नया क्या 360 डिग्री आप रोटेट कर सकते हो। और यहाँ से आप उसके कलर्स को फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे उसमें एक तरह के फ़िल्टर थे कलर के, तो आप यहाँ से कलर्स फ़िल्टर कर सकते हो, ठीक। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ने कोई चीज़ की आपको पसंद नहीं आई तो आप उसे यहाँ जो ऊपर एक आधा गोल बटन दिया है इससे आप बैक कर सकते हो। ये देखिए एडिटिंग बैक हो गई है। लौट आए वापस। ये ब्लरी वाले ऑप्शन अगर आपको कोई डिलीट करना हो तो यहाँ डिलीट पर क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हो। अगर आप इसकी फ़ोटो खींचना चाहते हो किसी भी पोर्शन की, तो बस आपको उस पोर्शन पे आना है और ये देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे साइड में और फिर कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो इसकी फ़ोटो खींच के आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। आप इसका इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं, ओके। और अगर आप एनिमेशन कोई करना चाहें तो जैसे कि ये मेरी एक हमने थंबनेल ले लिया अपने पहले की एक वीडियो का, अगर आप इसे एनिमेट करना चाहें तो अगर देखिए यहाँ पे हम लोग सीधा प्ले करते हैं तो एडिटिंग कर सकते हैं। तो काइनमास्टर थोड़ा ये सीधा सामने आ गया। लेकिन आप यहाँ अगर कोई एनिमेशन लगाना चाहे तो देखिए यहाँ एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। जैसा आप एनिमेशन लगाना चाहें वैसा एनिमेशन पे सिलेक्ट करेंगे, आप छाट सकते हैं, आप एनिमेशन कैसा चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप जैसा भी चाहें एनिमेशन एक कर सकते हैं, जैसे ये हमने कर लिया। आप इसकी स्पीड बढ़ा या घटा सकते हो, हम लोग वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो काइनमास्टर थोड़ा सा इसके बाद देखिए बढ़िया तरीके से आता है। आप इसका एनिमेशन अगर आप एंडिंग एनिमेशन करना चाहो तो आउट एनिमेशन से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसे लगातार कोई एनिमेशन देना चाहते हो तो ओवरऑल एनिमेशन से आप इसको एनिमेट कर सकते हो। और क्या बता दें आपको, ऐसे आप वीडियो के साथ भी कर सकते हो, ऐसे ही आप इसके साथ भी कर सकते हो। अलग अलग तरह के एनिमेशन से आप उसमें से आके सिलेक्ट कर सकते हो। कोई वीडियो पे टेक्स्ट लिखना चाहो तो टेक्स्ट यहाँ से लिख सकते हो। ये चीज़ आप PowerDirector में भी कर सकते हो, जो कि हम बताना भूल गए थे। जो भी आप टेक्स्ट यहाँ लिखेंगे उसको आप यहाँ पे ला सकते हैं। उसका कलर, उसका ये देखिए कलर अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हो। एक मिनट, ये ऐसे हमने किया, यहाँ पे लाएँ, सिलेक्ट किया, देखिए कलर चेंज हो गया। और अगर आप उसमें कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं जैसे अल्फ़ाबेट्स, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मतलब क्या बोलते हो उसे, नाम नहीं याद आया। मतलब अलग अलग स्टाइल से लिखना चाहते हो फॉन्ट्स, तो आप यहाँ अलग अलग तरह के फॉन्ट्स भी देख सकते हो। तो एक ही अलग अलग तरह से लिख के आ जाएगा। जैसे भी आप सिलेक्ट करोगे तो इसको भी हटाते हैं। और अगर आप कुछ हैंडराइटिंग में लिखना चाहते हो तो हैंडराइटिंग में भी यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट किया, आप जैसा भी लिखना चाहते हो वैसा एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, इसके आप जो चाहो यहाँ पे लिख सकते हो, ओके फाइन। तो हम लोग इससे भी एक स्टेप पीछे आएंगे और यह वाला ऑप्शन डिलीट मार देंगे। तो भैया इस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हो, इसमें हम कोई चीज़ नहीं बता सकते। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये वीडियो भी 13 मिनट की होगी तो इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको शेयर पे क्लिक करना है, आपके सामने ये आ जाएंगे कि आप किस किस तरह से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ फुल HD में 1080p पे भी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, HD 720p पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और SD में 540 पिक्सल्स पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और 360 पिक्सल्स पे भी कर सकते हैं इसको एक्सपोर्ट। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग इसका फ्रेम रेट भी सेट कर सकते हैं, ऐसे 30 FPS या फिर 25 FPS या फिर 24 FPS ले सकते हैं, जो कि एक सिनेमा का FPS होता है। यानी अगर आप कोई मूवी या फिर कोई सीरीज़ देखते हो, मतलब आप TV पे जो कुछ भी देखते हो तो TV पे आपको 24 फ्रेम पर सेकंड वाली वीडियो दिखाई जाती है। आप इसे 15 सेकंड पे कर सकते हो, 12 सेकंड पे कर सकते हो, जैसा भी आपकी नीड हो। तो नॉर्मली हम लोग इसे 30 सेकंड पे ही एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बिट रेट का। इसे आप जितना कम रखोगे आपकी वीडियो साइज़ उतना कम हो जाएगा, लेकिन आपकी वीडियो की क्वालिटी भी उतनी ही कम हो जाएगी। और आप इसे जितना हाई रखोगे वीडियो क्वालिटी उतनी ही हाई होगी और आपकी वीडियो फाइल का साइज़ भी उतना ही ज़्यादा होगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे 10 से 12 के बीच में रखें बिट मैप को, जो कि यहाँ पे दिखता है। हम कभी 10 पे तो कभी 12 पे इसको कर लेते हैं, ज़्यादातर हम इसे 12 पे निकालते हैं। तो यहाँ आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, ये एक्सपोर्ट पे लग जाएगा और एक्सपोर्ट होने के बाद एक यहाँ पे लाइन आ जाएगी कुछ इस तरीके से सी, क्योंकि आपको दिखाते हैं पीछे चल के। ये देखिए, तो सॉरी डिलीट हो गई फाइल। तो आप वहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपके गैलरी में आ जाएगी। गैलरी में आने के बाद आप इसे जहाँ चाहें शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, जो भी करना चाहें इस वीडियो के साथ। हाँ दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये हो सकता है आपके मोबाइल में सपोर्ट ना करे, लेकिन एक बार जरूर डाउनलोड करिए, देखिए। इसको डाउनलोड करने का तरीका हम अपनी अगली वीडियो में बताएँगे, ठीक। और इसका एक ही मतलब अलग अलग वर्जन्स आते हैं, लेकिन हम आपको एक ही प्रोवाइड करेंगे इसका, क्योंकि इसमें कोई अलग अलग तरह से आप डाउनलोड नहीं कर सकते। इसमें सेफ़ और सिक्योर वाला कोई मसला नहीं है, ये रिस्की ही है और ये सब में सपोर्ट करता भी नहीं है, क्योंकि इसका क्रैक वर्जन थोड़ा सा बगी सा होता है। भले ही जो मेरे इस वक्त चल रहा है वो तो काफ़ी बैटरली चल रहा है, जिससे पहले चलाते वो थोड़ा बग टाइप का चलता था, तब फ़ोन भी दूसरा यूज़ करते थे। इस फ़ोन में ये वाला वर्ज़न बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और जो वर्ज़न उसमें यूज़ करते थे वो वर्ज़न जब हमने इसमें डाला था तो वो इसमें सपोर्ट ही नहीं करता था, उसके अंदर वीडियो लेयर्स का ऑप्शन ही नहीं आता था। तो बस आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा कल की वीडियो से अपना ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में तुम्हें, तब तक के लिए सब्सक्राइब के लिए कहना नहीं होता, वो करना होता, तो करो। लाइक के लिए कहना नहीं होता, वो करना होता, तो करो। और बाय बाय।